नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक नई चीज़। साड़ी या चुन्नी, उनमें पीको किस तरह करते हैं। आज हम आपको केवल पीको करने का तरीका और मशीन में किस तरह की सेटिंग होती है उस तक के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये पीको की मशीन है। जैसे अपन धागे सिलाई मशीन में धागा डालते हैं, उसी तरह इसमें धागा डालते हैं। और धागा डालने के बाद मशीन जो टांकी लेती है, वन साइड इधर, एक साइड इधर, एक बार इधर, एक बार इधर करके लेती है। तो उसके लिए ये इसमें एक वॉच होती है जिसमें नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। और यहाँ से ये दोस्तों इसको सेट किया जाता है। किस तरह इसको ऊपर उठाया, इस तरह से। अब जैसे कि हम इसको अभी सेट कर रहे हैं दो नंबर पे, और इसको टाइट कर देते हैं यहाँ पे इस पेज को। ये दो नंबर पे टाइट हो गई। और अब मशीन को चलाने से पहले जिस कपड़े को अपन पीको करना चाहते हैं, उस कपड़े को अपन पहले उसको देखते हैं कि वो सीधा कटा हुआ है या सीधा है या नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको दोनों चीज़ दिखा रहे हैं, पीको करना भी और साड़ी वगैरह की, साड़ी चुन्नी की कान निकालना भी। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरफ कम है और एक तरफ झोल ज़्यादा है। तो करीब 1 इंची का मार्जिन लेके हल्का सा यहाँ पे कट लगाते हैं, इस तरह से। और ये इसको बिल्कुल सीधा इस तरह से पकड़ के ये फाड़ दिया। ये बिल्कुल सीधा हुआ है दोस्तों, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा है, दोनों कोने पकड़े, कहीं भी कोई झोल नहीं, कहीं भी किसी तरह का कोई विचार नहीं है इसमें। और अब अपन इसको पीको करते हैं। ये मैंने आपको कान निकालने का तरीका बताया, चुन्नी साड़ी में किस तरह कान निकाली जाती। अगर दोस्तों प्रिंटेड चुन्नी हो तो उसमें कभी कान मत निकालना, क्योंकि प्रिंटेड चुन्नी में प्रिंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये वाला कपड़ा अपन को पीको इधर करनी है, पर दबाना कौन सा है, ये वाला हिस्सा। इसको दबाना कैसे दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल कोने पे लाके, और इसको अपन ऐसे छोड़ देते हैं। अपन ने ये वाला हिस्सा दबाया है, ये वाला फ्री छोड़ दिया है। इस वाले को टाइट पकड़ना है इस तरह से, और इसको इस तरह से। अब दोस्तों मैं चालू कर रहा हूँ मशीन, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैक लो हल्का सा, और फिर इसको आगे बढ़ने दो। अगर आप नए नए पीको सीख रहे हैं तो इसको इस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा चलाया फिर रोक लिया, फिर चलाया फिर रोक लिया, और इस तरह से इसको धीरे धीरे हाथ में से फिसलने दें कपड़े को, और इस तरह अपने अंगूठे से कपड़े को ऊपर सरकाते रहें, जिससे गोल गोल पीको आएगी। इसको ज़्यादा देर ढीला ना छोड़ें, नहीं तो अंदर, अभी जैसे अंदर चला गया तो उस तरह से अंदर चला जाएगा। वही जैसे आपने शुरू में किया था, उसी तरह अपन इसको इधर गोलाई पे लाने के लिए इसको दोबारा घुमा सकते हैं इस तरह से, और ये कोना भी गोल हो गया और अपनी पीको बिल्कुल सही तरीके से हो गई। दोस्तों आज हमने आपको पीको के बारे में बताया, पीको देखें कैसी हुई है, ठीक है। कहीं भी कोई धागा नहीं, और किसी भी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट है। तो दोस्तों ये पीको मैंने कर दी है, आप समझ गए होंगे किस तरह पीको होती है, किस तरह पकड़ना होता है कपड़े को, और किस तरह लगाना होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और हमारा जो चैनल है धाकड़ विचार, इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि हम उससे
अपने विचारों को और ज़्यादा तरीके से और तरीके से आपको अच्छी तरह समझा सकें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ ही आज का विचार, आज का दोस्तों हमारा विचार ये है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमें आंखों में आंखें डालकर बोलता है, और झूठा और फरेबी व्यक्ति जब भी बोलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जय हिंद।